हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपथ एकेडमी। तो इतने टाइम से बच्चों का इंतजार चल रहा था कि सर आईपीयू का रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा। तो फाइनली बच्चों आपका इंतजार खत्म हो चुका है, आईपीयू 2024 का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, काउंसलिंग के लिए जो प्रोसीजर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि अभी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है इसे आपको फिल करना होता है। ये फिल करोगे 1500 रुपीज का आपको पेमेंट करना होता है, लेकिन अभी यहीं पे कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद कुछ कोर्सेज के लिए तो आईपीयू अपना सीईटी लेता है, तो आपको सीईटी एग्जाम देना होगा, लेकिन कुछ कोर्सेज के लिए आईपीयू जो है वो नेशनल एग्जाम जो होता है उसके बेसिस पे एडमिशन देता है। जैसे कि आपका बीटेक हो गया, बीटेक के लिए जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। एमबीए हो गया, एमबीए के लिए आपको कैट का एग्जाम देना होता है, कैट एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। तो प्रोसीजर क्या है, अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे, 1500 रुपीज का पेमेंट कर लोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बच्चों आपको 1500 रुपीज का पेमेंट करना होगा। उसके बाद अगर आपको सीईटी देना है आपको सीईटी दे सकते हो। अगर आप लोग ऐसे कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो जिसमें आपको एडमिशन मिलेगा नेशनल लेवल एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे, तो आप लोग वो एग्जाम दोगे। उसके बाद जब आपका काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा उस टाइम पे आपको एक और पेमेंट करना होता है, वो पेमेंट होता है 1000 रुपीज का। उस पेमेंट का नाम है काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे दो स्टेप में प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होता है। ये दोनों फी जब आप लोग पे कर लेते हो उसके बाद आपका फाइनली काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। अब ये सब बातें बहुत बात की है, लेकिन अभी आपको जानना इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि देखो होता क्या है कि बच्चे खुद से फॉर्म को फिलअप करते हैं, गलती कर देते हैं, और आईपीयू का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है। बच्चे गलती कर देते हैं, फिर काउंसलिंग के टाइम पे परेशान होते हैं। तो बस बहुत हो गई बातें, कहने का मतलब ये है कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको बस एक काम करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, बिना स्किप के देखना है। अगर आप लोग बिना स्किप के देखोगे, लास्ट तक देखोगे, तो आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, सो स्टूडेंट बहुत हो गई बातें, अब हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, उसके बाद मैं आपको मिलता हूं इस वीडियो के लास्ट में। इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, उस सरप्राइज को सुनने के बाद आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, सो बच्चों चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। सो स्टूडेंट अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप लोग आईपीयू 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देखो बच्चों, आपके लिए इजी करने के लिए मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रखा है। उस लिंक पे आप लोग क्लिक करके डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे और आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हो कि सर मैं तो गूगल पे सर्च करके ही जाना चाहता हूं या चाहती हूं, तो इनफैक्ट हम लोग इस वीडियो में गूगल पे सर्च करके ही जाएंगे। ठीक है, तो क्या सर्च करना है, सिंपली आपको सर्च करना है आईपीयू एडमिशन 2024। ठीक है, IPO एडमिशन 2024 या फिर IPO रजिस्ट्रेशन 2024 कुछ भी सर्च कर सकते हो, इसी को सर्च करना IPO एडमिशन 2024। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है एंड देन जाकर के जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा IPO का ऑफिशियल वेबसाइट, उसे आपको ओपन करना है, जो कि आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। उसके बाद ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, यही आपका IPO का ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी से लेकर के पूरे काउंसलिंग के जर्नी में यही वेबसाइट आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, और किसी और वेबसाइट कुछ भी आपके लिए काम की चीज नहीं होगा। इसी वेबसाइट पे ही आपको रेगुलर आते रहना है, ये चीज क्लियर है, ध्यान रखना इन सारी बातों का। ठीक है, नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपका आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2024 स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करोगे, वेट करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखो बच्चों, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद आपको साइन इन यानी कि लॉगिन करना होगा। तो उस टाइम पे आपके पास यूजर आईडी आप लोग बना चुके होंगे, पासवर्ड आपके पास होगा, आप लोग लॉगिन कर सकते हो। लेकिन हम लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तुम्हारे पास ये डेटा नहीं है। ठीक है, तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो नीचे आओगे और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करोगे, देन कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग चाहो तो रीड कर सकते हो, वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए मैं आपको बताते हुए चलूंगा, लेकिन फिर भी रीड करना है तो आप लोग रीड कर सकते हो। ठीक है, रीड करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको आई एग्री पे टिक कर देना है, उसके बाद वेट करना है। वेट करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये है आपका साइन अप फॉर्म। ठीक है,
सबसे पहले आपको साइनअप फॉर्म ही फिल करना होता है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ फिर फिल करके भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नेम फिल करना है, जो भी आपका नेम है उसे आप लोग यहाँ पे फिल करोगे। इसके बाद आपके फादर का नेम जो भी है उसे यहाँ पे फिल करोगे। यहाँ पे आपको अपना मदर का नेम फिल करना है। यहाँ पे आप लोग DOB सेलेक्ट कर लोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि हमारा 8 जो है वो डेट है, मंथ आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो कि मान लो जून है, और ईयर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ईयर मान लो आपका है 2005। इस तरीके से आप लोग डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लोगे। जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। हम लोगों ने मेल सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन आई रिपीट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एकदम करेक्ट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आगे की जितनी भी चीज़ें होगी वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही जाएगा। इतना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये गलती ना करो, बाद में काउंसलिंग के टाइम पे बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया है। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, ये समझ में आ गया है। तो ये आप लोग फिल कर लोगे, ठीक है ना, जल्दी से हम लोग फिल कर लेते हैं। मान लो नेम है राहुल, ठीक है, तो हम लोगों ने राहुल कुमार नेम है, राहुल कुमार हम लोगों ने फिल कर लिया है। फादर का नाम है मान लो दिलीप यादव है, तो वो हम लोगों ने फिल कर लिया है। मदर का नाम मान लेते हैं इंदु देवी है, तो ये हम लोगों ने फिल कर लिया है, ठीक है। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसे हम लोग हाइड कर लेंगे, बाद में फिल कर लेंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे में आपसे पूछा जा रहा है चूज़ योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना है, इसी डिटेल का यूज़ करके आप लोग लॉगिन कर पाओगे। तो यूज़र आईडी पासवर्ड आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, कैसा भी बना सकते हो, ठीक है ना। मान लेते हैं हम लोग बना लेते हैं कि राहुल का R कैपिटल है, RAHUL राहुल डाल दिए, ठीक है, और डाल दिए मान लो 9650 डाल दिए। अपने अकॉर्डिंग आप लोग यूज़र आईडी बना सकते हो। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। इजी वे के लिए मैं आपको बताता हूँ, तो पासवर्ड में आपका पहला जो लेटर होता है वो आपका कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो हमने राहुल का जो है R कैपिटल डाल दिया, उसके बाद बाकी स्मॉल डाल देते हैं। राहुल के बाद हम लोगों ने @ लगा दिया, उसके बाद कुछ भी डाल सकते हो, DOB आ गया, डेट ऑफ बर्थ मान लो कि 2005 है, ठीक है। तो हमने पासवर्ड बना लिया है राहुल का R कैपिटल, बाकी स्मॉल राहुल @2005। इस तरीके से आप लोग अपना पासवर्ड बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड भी करना होगा, यानी कि सेम पासवर्ड आपको यहां पे डालना होगा। तो हम लोग डाल लेते हैं, तो हमारा पासवर्ड आपको पता है ना, तो ये हम लोग यहां पे भी डाल दिए। इस तरीके से हमारा कंफर्म पासवर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन फिल करना है। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो दे रखा है उसे आपको यहां पे फिल करना है। तो सिक्योरिटी पिन है हमारा 3AS216, ठीक है। इस तरीके से ये सारे डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पे हम लोग सबमिट कर लेंगे, और सबमिट करने के बाद जाकर के नेक्स्ट स्टेप कैसे फिल करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारा डिटेल आपको सही फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ रहा है डू यू विश टू फाइनल सबमिट, ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे आपको यस करना है। इसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जितना भी डिटेल आप लोगों ने फिल किए हो उसे आप लोग चेक कर सकते हो, अगर एडिट करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हम लोगों ने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हाइड किया है, बाकी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब देखने के बाद अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पासवर्ड सेव करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका यूज़र आईडी और कैंडिडेट नेम आ जाएगा, तो आप लोग इसे फोटो रख सकते हो, ठीक है। बाकी आपको पता ही होगा कि आपका यूज़र आईडी क्या है। इसके बाद फर्दर चीज़ आपको फिल करना है, तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा, इस पर टिक होगे। अब अगर आप लोगों ने सेव कर रखे होगे तो यहां पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। सेव नहीं कर रखे हो, यहां पे आप लोग अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दोगे। इसके बाद यहां पे आपको सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन है हमारा 87393 एंड देन कैपिटल V है, ठीक है। ये फिल करने के बाद आपको साइन इन कर लेना है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप लोग जितने बार भी साइन इन करोगे यानी कि लॉगिन करोगे उतने बार आपसे OTP मांगेगा फॉर दी सिक्योरिटी पर्पज़, ठीक है। तो OTP आप लोगों के मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप लोग जहाँ पे भी चाहो वहाँ पे ले सकते हो। मान लो हम लोग मोबाइल नंबर पे ले रहे हैं, इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सेंड OTP पे हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उसे हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे, देन लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है, ठीक है बच्चों। OTP कैसे है मैं आपको दिखा देता हूं। देखो इस टाइप का आपको देखने को मिल रहा होगा, तो OTP आ गया है। OTP हमारा 7521B3, ठीक है। तो 7521
B3, ठीक है, 7531B3। तो OTP डालने के बाद हम लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे एंड देन जाकर के थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद जाकर के आपका लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन हो चुका है, अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म पे आप लोग क्लिक करोगे और ये देखो कुछ डिटेल आप लोगों ने ऑलरेडी फिल कर रखे हो तो वो ऑटोमेटिकली फिल होगा। इसके अलावा रिमेनिंग चीज़ को आपको फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। ध्यान से आपका सारा डिटेल सही होना चाहिए, ठीक है। बाद में बहुत दिक्कत आती है काउंसलिंग के टाइम पे, इस बात का ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो कैटेगरी आपका जो भी है, जनरल कैटेगरी है, EWS है, OBC है, SC ST है, अपने अकॉर्डिंग आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो जनरल कैटेगरी से हम हैं तो हम लोगों ने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे एंड देन जाकर के थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब हमें कॉन्टैक्ट डिटेल हमें फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्दर चीज़ें फिल करना है, सबसे पहले हमें कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है, ठीक है। तो एड्रेस आपका जो भी है, मान लो हमारा है C484 हम लोग फिल कर रहे हैं। यहाँ पे सब लोकेलिटी आपको फिल करना है, यानी कि कॉलोनी आपको फिल करना है, ये ऑप्शनल है। फिल करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको सिटी, टाउन, विलेज जो भी है उसे आप लोग यहाँ पे फिल कर लोगे। तो मान लो हमारा जो है वो न्यू दिल्ली है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे फिल कर लिया है। उसके बाद कंट्री, ऑब्वियसली बात है इंडिया ऑटोमेटिकली है। स्टेट आपका जो भी स्टेट है आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो हम जो है वो दिल्ली से है तो हम लोगों ने दिल्ली NCT सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आपको सेलेक्ट कर लेना है। हमारा ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है तो हम लोगों ने ईस्ट दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है एज ए डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड फिल करना है, तो जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पे फिल कर लोगे। उसके बाद अब देखो, अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आप लोग टिक कर दोगे। अगर टिक करोगे तो आपसे दोबारा नहीं मांगेगा, परमानेंट एड्रेस आपको दोबारा नहीं फिल करना है। लेकिन मान लो कि अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग है तो आपको दोबारा फिल करना होगा, तो आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हो। हमारा सेम है तो यहाँ पे हम लोग टिक कर देंगे। मैंने दोनों ही केस आपको समझा दिया है। इसके बाद ये सब फिल करने के बाद जाकर के नीचे आएंगे, अगेन से हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद जाकर के कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। पहला है आपका फोटोग्राफ, फोटोग्राफ का साइज मैंने आपको बता दिया है, और दूसरा है आपका डेट ऑफ बर्थ। इसमें आप लोग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर आप लोग क्लास 10 का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इसका भी मैंने आपको साइज बता दिया है। अब देखो, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका फोटोग्राफ जो है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये जो सेकंड वाला डॉक्यूमेंट है आपका, ये आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। सेकंड डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करने के बाद उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर भी आपको डालना है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये सब कुछ फिल करने के बाद आपको सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जाकर के हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है उसे हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसकी वजह से ये डॉक्यूमेंट मैंने रैंडमली यहाँ पे फिल किया है, अपलोड किया है। आपको सही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे ओके कर दोगे। अच्छा देखो बच्चों, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे सेल्फ वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो यहाँ पे आप लोग सेल्फ वेरीफाई पे टिक कर दोगे। दोनों डॉक्यूमेंट पे आप लोग टिक करने के बाद जाकर के नीचे आओगे एंड उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग ओके कर देंगे। ओके करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है एंड देन जाकर के यहां तक हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। सारा यहां पे जो भी आप लोगों ने अपलोड किए हो वो सब कुछ आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। नीचे आओगे, नीचे आने के बाद जाकर के यहां पे आप लोग होम पे आ जाओगे, ठीक है। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी फर्दर चीजें आपको और फिल करना है, ठीक है। तो होम पे आने के बाद यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोग कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, UG कोर्सेज, PG कोर्सेज या फिर PhD के लिए, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो। जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं सेम तरीका ही है हर कोर्सेज के लिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप लोग यूजी कोर्सेज यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अब अगेन से बच्चों कि यूजी कोर्सेज में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि BBA हो गया, BCA हो गया, BCom हो गया, BTech हो गया, PG में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैं आपको एक कोर्स के लिए बता देता हूं, सेम प्रोसीजर ही आपको हर कोर्स के लिए फॉलो करना है, चाहे आपका यूजी हो, पीजी हो, PhD हो, हर कोर्सेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है वो कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हो। MBA है, MCA है, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो जिस भी कोर्सेज के लिए आप लोग करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो कि मैं आपको BTech 2024 कोड नंबर 131 के लिए अप्लाई करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे करना है, यहाँ पे आपको सिंपली जो है वो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आपको फिल करना है। सिक्योरिटी पिन है हमारा N6M696, ठीक है।
ठीक है। तो ये हम लोगों ने सिक्योरिटी पिन को फिल कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हमें क्लिक करना है क्लिक हेयर टू अप्लाई, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे हम लोग क्लिक करेंगे। सेम प्रोसीजर हर कोर्सेज के लिए है, ठीक है बच्चों। अब देखो हमने बहुत सारा डिटेल ऑलरेडी फिल कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद इतना सारा अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन इसमें भी हमारा बहुत सारा ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। तो सब कुछ मैं आपको जल्दी से करके बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा लंबा है, लेकिन जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ हमारा हो चुका है, हमें अब एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। सिंपली हमें एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाना है। आने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोगों ने बहुत सारा डिटेल ऑलरेडी फिल कर रखा है, तो जो डिटेल हम लोगों ने फिल कर रखा है वो ऑटोमेटिकली फिल है, उससे हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा रिमेनिंग डिटेल को हमें फिल करना है। तो नीचे आओगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रीजन फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग एग्जाम हैज़ पास और अपीयर एज पर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप लोगों ने कहाँ से जो है वो क्लास 12 किए हो, दिल्ली एनसीटी है या फिर आउटसाइड दिल्ली है, वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिलीजन पूछा जा रहा है कि कौन सा रिलीजन है आपका, हिंदू मुस्लिम जो भी है। हम हिंदुज्म हैं तो हमने हिंदुज्म सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कैटेगरी आपसे पूछा जा रहा है, जो भी कैटेगरी है जनरल कैटेगरी है उसे हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। फिजिकली हैंडीकैप्ड है, अगर हो तो यस करना है, नहीं हो तो नो करना है, ठीक है। डिफेंस पर्सनल में भी अगर हो तो यस करना है, नहीं हो तो नो करना है। जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट हो तो यस करना है, नहीं हो तो नहीं करना है। इन सभी में नो ही करना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे इन सब में बिलोंग नहीं करते होंगे। अगर आप लोग कर रहे हो तो आपको यस करना है, ध्यान से देख लेना है। इसके बाद बच्चों आप लोग नीचे आओगे, नीचे में आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। तो अगर आप लोग इसमें से किसी सब कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो सेलेक्ट करना है, नहीं करते हो तो नॉट एप्लीकेबल पर टिक कर देना है, ठीक है। सिख माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, जैन माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, अगर बिलोंग करते हो तो टिक करना है, सेलेक्ट करना है, नहीं करते हो नॉट एप्लीकेबल पे टिक कर दोगे। इसके बाद आप लोग नीचे आओगे, नीचे में आपसे अदर इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। अदर इन्फॉर्मेशन में आपसे दो इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो पहला इन्फॉर्मेशन है आपका विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट को कैसे पहचाना जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लो अगर कैंडिडेट के फेस पे कट है या फिर मोल है यानी कि तिल है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हो। मान लेते हैं कि कैंडिडेट के फेस पे मोल है यानी कि तिल है, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे फिल कर लेते हैं, मोल ऑन फेस, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे फिल कर लिया है। इसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जा रहा है कि एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग रेफरेंस नंबर डालना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप लोग हैज एंटर एनए डाल सकते हो, ठीक है ना, यानी कि सिंपली एनए डाल दो, नॉन अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये डाल दोगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, यस पे क्लिक कर दोगे, थोड़ा सा वेट करोगे, वेट करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ फिल कर रखा है, अच्छा कुछ भी फिल नहीं कर रखा है, कोई बात नहीं, सब कुछ हम लोग फिल कर लेंगे। तो यहां पे आपसे क्लास 10th का डिटेल मांगा जा रहा है कि आप लोगों ने पासिंग कब किए हो, पास कर चुके हो, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे आपसे पासिंग ईयर मांगा जा रहा है। आप लोग मान लो बच्चों कि क्लास 10th आप लोगों ने 2022 में किए हो, जिस भी ईयर में किए होगी उसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। रोल नंबर आप लोगों का जो भी है उसे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो मैं रैंडमली फिल कर रहा हूँ, आपको ध्यान से फिल करना है। क्वालिफिकेशन बोर्ड आपका कौन सा था, अगर आपका स्टेट बोर्ड है वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी बोर्ड आपका है वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग CBSE है, जो भी बोर्ड है आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपसे मांगा जा रहा है इंस्टीट्यूट नेम एड्रेस, यानी कि आप लोगों ने क्लास 10 जहाँ से भी की हो उसका एड्रेस क्या है। तो हम लोगों ने यहां पे डाल दिया लक्ष्मी नगर, ठीक है। आप लोग क्लास 10 जहाँ से भी किए हो उसका जो भी एड्रेस है आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हो। रिजल्ट मोड कैसा रहा था, ऑब्वियसली बात है परसेंटेज रहा होगा, ये हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। मैक्सिमम मार्क्स कितने मार्क्स का था, तो 500 मार्क्स का था। और कितने मार्क्स आए थे, मान लो कि 480 मार्क्स आए थे, ठीक है, 480 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो 480 मार्क्स हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद आप लोग नीचे आओगे, तो नीचे में यहाँ पे आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाला गया है। डिफरेंट कोर्सेज के लिए क्राइटेरिया अलग होता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोग अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे रीड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको फर्दर डिटेल जो फिल करना है वो क्लास 12th का फिल करना है, ये बात ध्यान रखना। ऊपर हम लोगों ने क्लास 10 का डिटेल फिल कर चुके हैं, अब हमें क्लास 12 का डिटेल फिल करना है। तो पासिंग स्टेटस ऑब्वियसली बात है पास कर चुके हो, अगर आप लोग पर हो तो पास कर चुके होंगे, अदरवाइज मोस्टली बच्चे अभी अपीयरिंग में होंगे। तो हम लोगों ने ये सेलेक्ट कर लिया है। पासिंग ईयर ऑब्वियसली बात है 2024 होगा। रोल नंबर आप लोगों के क्लास 12 का जो भी रोल नंबर होगा उसे आप लोगों को यहां पे फिल करना है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसलिए मैं रैंडमली फिल कर रहा हूं, लेकिन आपको सही सेलेक्ट करना है। इसके बाद बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बोर्ड है, CBSE है या फिर स्टेट बोर्ड है, वो आप लोग यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो।
इसके बाद अगेन से आपसे इंस्टीट्यूट का नेम पूछा जा रहा है, यानी कि एड्रेस कहाँ है ना। आप लोग क्लास 12 जिस भी स्कूल से कर रहे हो उसका एड्रेस क्या है, तो जो भी एड्रेस है आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये फिल कर लोगे। हमारा अगेन से लक्ष्मी नगर है, हम लोगों ने फिल कर लिया है। ठीक है, उसके बाद जा करके रिजल्ट मोड, ऑब्वियसली बात है अभी रिजल्ट नहीं आया है तो कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। और ये मार्क्स वगैरह भी जो है अभी हमारे पास नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग अपियरिंग यहाँ पे डाल रखे हैं। अगर आप लोग पास कर चुके हो, अगर आप लोग ड्रॉपर हो तो यहाँ पे पास सेलेक्ट करोगे, अगर आप लोग यहाँ पे पास सेलेक्ट करोगे तो ये सब चीज़ भी आपको फिल करना होगा। ये सब फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग यस कर दोगे, उसके बाद थोड़ा सा वेट करोगे एंड देन जाकर के कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे कुछ डिटेल हम लोगों ने ऑलरेडी फिल कर रखे हैं तो वो ऑटोमेटिकली फेच कर लिया गया है। रिमेनिंग चीज़ हमें यहाँ पे फिल करना है, तो ये सब हम लोगों ने फिल कर रखा है। ठीक है, ये सब हमारा ऑलरेडी फिल हो रखा है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर अगर देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो छोड़ सकते हो। ठीक है, अल्टरनेट ईमेल आईडी भी अगर फिल करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है छोड़ सकते हो। ये सब देखने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग यस पे टिक कर दोगे, थोड़ा सा वेट करोगे, वेट करने के बाद जाकर के आपका डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, लेकिन हम लोगों ने 2 डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1 डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना होगा, जो कि हमारा सिग्नेचर। ठीक है, अगेन से सिग्नेचर का जो मिनिमम साइज है वो है 10 KB, मैक्सिमम साइज़ है 100 KB, और फॉर्मेट है आपका JPEG। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, वरना कई बार बच्चों का ना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता रहता है, ये चीज़ हो जाता है। कैसे अपलोड करोगे? चूज फाइल पर आप लोग क्लिक करोगे एंड देन जाकर के आप लोग अपने लैपटॉप में, PC में, फ़ोन में, जहाँ पर भी रखोगे वहाँ से आप लोग अपलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए रहा हूं। ठीक है, लेकिन आपको कैसे अपलोड करना है, क्या अपलोड करना है, ये आपको अच्छे से पता है। प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक कर दोगे, यहां पे आप लोग सेव कर दोगे एंड देन जाकर के यहां से आपका ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद जाकर के आपका प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो बस एक स्टेप हम लोग बचे हुए हैं फी पे करने के लिए, वो लास्ट स्टेप होगा। आप लोग इसे एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, जो जो डिटेल आप लोगों ने फिल कर रखे हो एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि क्या सब कुछ सही है या नहीं है। सब कुछ अगर सही लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो आप लोग एडिट कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस पे जाकर के आप लोग एडिट कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो सेव एंड फाइनल सबमिट पे आप लोग टिक करोगे। उससे पहले आपको यहां पे डिक्लेरेशन देना है, तो सब कुछ को क्रॉस चेक करने के बाद, डिक्लेरेशन देने के बाद यहां पे आप लोग सेव एंड फाइनल सबमिट पर टिक कर दोगे, यहां पे यस कर दोगे एंड देन जाकर के हम लोग लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं। बहुत मेहनत लगा है, लेकिन होप सो ये सब आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना, आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करता है। ठीक है, बाकी अभी से लेकर के पूरे काउंसलिंग के जर्नी में ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट और साथ में ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट दोनों है, लास्ट में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के लिए आप लोग बाय कर सकते हो, काउंसलिंग सपोर्ट 1500 रुपये का होता है। ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के लिए आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो, हर कोर्सेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी लास्ट में इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे कि कहाँ पे हमारा ऑफिस है, कैसे आप लोग आ सकते हो, और अगर आओगे तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको 110% मिल जाने वाला है, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो अब आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है, तो पे करने के लिए सिंपली आप लोग इस पर क्लिक करोगे, पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज़ ही पे करना है। ये पे करने के बाद जाकर के जब काउंसलिंग स्टार्ट होता है ना, तो उस टाइम पे आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी जो कि 1000 रुपीज़ होता है वो आपको पे करना होता है, एंड देन जाकर के आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ आपको बताते रहेंगे। बस आप लोग चैनल पे अगर गलती से भी आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 4 to 5 ईयर से आप लोगों के सीनियर की हेल्प कर रहे हैं, आप लोग चैनल को क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब फी कैसे पे करोगे? आप लोग ऑनलाइन पेमेंट पे टिक करोगे, यहाँ पे फी का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे एंड देन जाकर के आप लोग कैसे भी करके फी को पे कर सकते हो। इस पर टिक करोगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है, जैसे कि नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आप लोग कैसे भी करके फी को पे कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए वीडियो बना रहा था, इसके वजह से मैं फी को पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान से फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पैसा ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी चीज को समझ लिया है, आपका रजिस्ट्रेशन फाइनली कंप्लीट हो चुका है। सो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देखे हो, बिना स्किप किए देखे हो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, तो काफी अच्छी बात है, अब आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर अभी भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप लोग एक काम करना, इस वीडियो को एक बार फिर से देख लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इस वीडियो को एक बार और देखते हो, उसके बाद भी कोई डाउट बचता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपके जितने भी कमेंट्स आएंगे उन सभी का हम लोग रिप्लाई कर देंगे, आपके हर एक डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं सरप्राइज के तरफ चलते हैं। सरप्राइज क्या है आप लोगों के लिए, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं।
तो देखो बच्चों, त्रिपथ अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग, ठीक है। इस चैनल पे आप लोग भले ही गलती से आए हो, लेकिन अगर इस चैनल को बिना एक्सप्लोर किए आप जाओगे तो ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, और ऑब्वियस सी बात है कॉलेज के बेसिस पे ही सब कुछ होता है ना, ये सारी बातें हैं। तो इसीलिए इस चैनल को एक बार आप लोग एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि त्रिपथ अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। अगर आप लोग बीटेक के लिए देख रहे हो, अगर हम लोग बीटेक की बात करेंगे तो बीटेक के लिए जितने भी काउंसलिंग होते हैं इंडिया में, चाहे आपके सेंट्रल काउंसलिंग हो गए, स्टेट काउंसलिंग हो गए, वो सारे काउंसलिंग यहाँ पे करवाए जाते हैं। अगर आप लोग अदर कोर्सेज की बात करोगे, आईपीयू की बात करोगे, तो अदर कोर्सेज के लिए भी यहाँ पे वीडियोस आते रहते हैं। तो चैनल को एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा देखो कि चैनल पे कौन कौन से कंटेंट अवेलेबल है। ऑब्वियसली यू लव द चैनल एंड देन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अभी से लेकर के पूरे काउंसलिंग के जर्नी में A to Z वीडियो आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। लेकिन देखो, काउंसलिंग का जर्नी बाद में है, लेकिन अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उस टाइम पे बच्चों को पता नहीं होता है, बच्चे फिर परेशान हो रहे होते हैं, भटक रहे होते हैं। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, A to Z वीडियो आएगा, लेकिन आपको पता है कि आप सभी का कंडीशन अलग है, आप सभी का रैंक अलग आएगा, चाहे CET की बात करो या फिर नेशनल लेवल एग्जाम की बात करो, ठीक है। अब आपके रैंक के बेसिस पे आपको डिफरेंट कॉलेज और डिफरेंट ब्रांच मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपके जो पर्सनल डाउट होते हैं, पर्सनल क्वेरी होते हैं, वो सारे वीडियो के थ्रू नहीं क्लियर हो सकते हैं। तो सभी के लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट होता है, ठीक है। देखो अभी तो लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जब काउंसलिंग स्टार्ट होता है उस टाइम पे हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट हम लोग लॉन्च करते हैं, ठीक है। पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट में होता क्या है कि आप लोग बाय करते हो, बाय करने के बाद जाकर के हमारे टीम मेंबर आपको कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद सबसे पहले कॉल पे आपके जितने भी डाउट होते हैं उन सभी को क्लियर किया जाता है। उसके बाद आप लोग हमारे टच में आ जाते हो, अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक हम आपके साथ में होते हैं, आपके रेगुलर डाउट को क्लियर कर रहे होते हैं। व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप बना हुआ होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाता है, एंड देन जाकर के अभी से लेकर के लास्ट तक में हम आपके साथ में होते हैं, ठीक है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसिंग करवाई जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसिंग करेंगे, वो भी वो करेंगे जिनको 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। अगर बीटेक कोर्स की बात करेंगे तो उनके बच्चे IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, हर एक IITs में, हर एक NITs में, हर एक टॉप कॉलेज जो कि इंडिया में है उसमें है। आपके जो मेंटर होंगे उन्होंने उनकी चॉइस फिलिंग किए थे, ऑब्वियसली बात है अगर वो आपकी चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको भी आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको मिलता है, वो भी प्राइस की बात करेंगे तो इसके लिए आपसे लोग 50,000-1 lakh रुपीज चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट और साथ में ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट दोनों है, ठीक है। अभी हम लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट का फीस की बात करेंगे तो बहुत कम फीस है, सिर्फ और सिर्फ 1,000 rupees में आपको ये सारा फीचर मिलता है, ठीक है। स्टार्टिंग में 1,000 rupees होता है, बाद में इसका प्राइस बढ़ता है, बाद में 1,500 rupees हो जाएगा, उसके बाद में 2,000 rupees हो जाता है। तो आपको स्टार्टिंग में ही बाय करना होगा, ठीक है, ताकि आप लोग कम प्राइस में ही इसका बेनिफिट उठा सको, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब कैसे पता चलेगा स्टार्टिंग में कैसे बाय कर पाओगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जब लॉन्च करेंगे आपको पता चल जाएगा, उस टाइम पे आप लोग बाय कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने बात किया हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के रिगार्डिंग। इसी तरीके से हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी है, ऑफलाइन में काफी लोग बच्चों से लूटते हैं, सो फाइनली हम लोगों ने सोचा है कि आप लोगों के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। उसके लिए ऑब्वियसली बात है आपको ऑफिस पे आना होगा। हमारा ऑफिस का एड्रेस कहाँ है ये मन में सवाल आ रहा होगा, तो बच्चों थोड़ा सा वेट करो, हैव सम पेशेंस, धीरे धीरे आपको सारी चीजें बता रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी हमारा ऑफिस आपको दिल्ली NCR यानी कि नोएडा सेक्टर 63 मेट्रो स्टेशन के नियर बाय में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। नोएडा सेक्टर 63 के मेट्रो स्टेशन से 400 से लेकर के 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपको हमारा ऑफिस देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग ऑफिस पे आओगे तो चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो डाला गया है जिसमें हमने बता रखा है कि किस तरीके से आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो, मेट्रो स्टेशन से लेकर के आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो। क्योंकि देखो मेट्रो स्टेशन से लेकर के ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 400 से लेकर के 500 मीटर का डिस्टेंस है। अब ऑब्वियसली बात है 400-500 मीटर का डिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन जब आप लोग फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको वहां पे भी दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चैनल पे वीडियो डाला गया है, उस वीडियो को देख लेना, आप लोग आ जाओगे।
अब ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि दिल्ली में मेट्रो है, मेट्रो से आप लोग नोएडा सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी का मेट्रो स्टेशन है वहां पे उतरोगे, वहां से कैसे आना है उसके लिए वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों देखो, अगर आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो तो फिर आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ही लेना, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बेस्ट है। वैसे तो त्रिपथ एकेडमी का ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट साथ में ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट दोनों ही बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चों ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको कुछ भी नहीं करना होता है, एक बार ऑफिस पे आते हो आप लोग जो है, अगर आओगे तो पेरेंट्स के साथ आना, अकेले मत आना, अगर कोई वैसा सिचुएशन है तो फिर आ सकते हो। वैसे हम लोग अकेले वाले बच्चे को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपके पेरेंट्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट है इसलिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जिसके वजह से आपके साथ में गार्जियन नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग अकेले भी आ सकते हो, लेकिन मोस्टली बच्चों के केसेस में पेरेंट्स के साथ ही आना, ठीक है। तो ऑफिस पे आओगे, आपको हम लोग आपके मेंटर से उस टाइम पे ही मिला देंगे, आपके मेंटर आपसे मिल लेंगे, उसके बाद आप लोग घर पे जाओगे, चैन की नींद लोगे, उसके बाद बस आपको एक चीज को फॉलो करना है, वो ये है कि जब जब आपके मेंटर आपको बुलाएंगे तब तब आपको ऑफिस पे आना होगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आपको ज्यादा फैसिलिटी मिलता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट, साथ में आप लोग हमसे आमने सामने फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाता है, ठीक है। और ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में थोड़ा सा बेटर आपको फैसिलिटी मिलता है, इसके वजह से ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट और ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के प्राइस में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर बच्चों आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो तब तो आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ही लेना, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ऑफिस पे नहीं आ सकते हो तो फिर आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब कुछ आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया गया है, ताकि आप लोग उस टाइम पे परेशान ना हो, ठीक है ना। सब कुछ बता दिया गया है, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिस का एड्रेस भी दिया गया है, आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आईपीयू में तो बहुत सारे कोर्सेस हैं, तो हमारा काउंसलिंग सपोर्ट कौन कौन से कोर्सेस के लिए है, ठीक है। तो सारे कोर्सेस के लिए ऑब्वियस सी बात नहीं है, कौन कौन से कोर्सेस के लिए त्रिपथ एकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट है एक बार ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। चाहे ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट और ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला कोर्स है हमारे पास बीटेक का, बीटेक वाले बच्चे हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो पहला कोर्स है हमारा बीटेक का, इसके अलावा बीसीए है, बीबीए है, एमसीए है, एमबीए है, ठीक है ना। इसके अलावा एलएलबी है, और लास्ट सेवन जो कोर्स है वो हमारा बीकॉम है, ठीक है। तो ये सेवन कोर्सेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इन सेवन कोर्सेस के लिए हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट और साथ में ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट है, ठीक है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, चैनल को एक्सप्लोर करो, उसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो ऑब्वियसली बात है चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन वॉयस यू टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।